गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा कल हम लोगों ने सूरदास के पद किए थे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लो मुझसे, नहीं तो हम आगे शुरू करें फिर। ओके, शो मी योर थंब। ओनली अंशिका हैज शोन थंब की समझ में आ चुका है। ओके फाइन गुड, ठीक है बेटा। और इसके मैंने क्वेश्चंस भी कल डिस्कस किए थे और मैंने कहा था कि कॉपी में लिख लेना, प्लीज डू दैट ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट। आज हम अगला पद शुरू करने जा रहे हैं और कॉपीज अपने पास रखिए, पेंसिल्स रखिए और मीनिंग्स जरूर साथ साथ नोट करिए बेटा। मीनिंग्स नोट करने का मोटिव ये होता है कि जब भी हम पढ़ें, जहां कहीं हमें दिक्कत लगे तो हम उसे समझ लें, हम उसका मीनिंग अगर देख लेंगे तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जब भी आपको पठित पद्यांश या पठित काव्यांश दिया जाता है अटेम्प्ट करने के लिए, तो कई बार उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा इस शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, उस पर्पस से भी हमें शब्द अर्थ आने चाहिए। पहले पद के भी सारे शब्दों के अर्थ मैंने कल डिस्कस किए थे, आज अगला करने जा रहे हैं, तो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, एंड आई वुड अप्रिशिएट अगर सब लोग अपनी वीडियो ऑन करेंगे। सिर्फ दो लोगों की वीडियो ऑन है, बाकी सब बंद करके बैठे हैं। थोड़ा सा बेटा एक आई कांटेक्ट रहता है थोड़ा सा, और अच्छा लगता है देखने में कि आप लोग पढ़ रहे हैं। सो प्लीज टर्न ऑन द वीडियोस एंड लेट्स स्टार्ट। कल हमने जो सूरदास जी का पद पढ़ा था, पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रज भाषा में लिखे गए पद हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अपनी बुक में ऊपर लिख लें ब्रज भाषा। ठीक है, क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं, सूरदास जी के पदों की भाषा कौन सी है। ओके राइट, नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ अब हम आज कर रहे हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ ढंडोरी आप ही आयो, खोली की वारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो, ओखल चढ़ी सींके को लीन हो, अन्न भावत भूई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गो रस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटक न राखे तेही पूत अनोखो जायो। एक बार फिर से पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनो। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ ढंडोरी आप ही आयो, खोली की वारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो, ऊखल चढ़ी सी के को लीन हो, अन्न भावत भूई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गो रस की, यह ढोटा को नए ढंग लायो, सूर श्याम को हटक न राखे तेही पूत अनोखो जायो। किसी को कुछ समझ में आया? किसी को अगर समझ में आया तो रेज योर हैंड। ओके यस पॉल, हाँ जी बेटा। और वो ये भी कहते हैं कि इतना वो माखन नहीं खाते हैं, इससे जो गायरस है जो दूध है उसका भी नुकसान होता है। बट एंड वेल, बट जो लास्ट वाली लाइन है उसमें सूरदास जी कहते हैं कि वो कृष्ण जी बहुत ही ज्यादा अनोखे बेटे हैं। ओके वेरी गुड पर्ल, आई एम हैप्पी।
कि कुछ कुछ समझ में आना शुरू हुआ। यस वेदांती, यशोदा जी को कृष्ण जी को शिकायत करती है कि वह उनके घर में अपने आप ही आके उनका माखन चुरा चुरा लेते हैं, वो सब दूध और दही खा लेते हैं, और जो उनको पसंद नहीं होता वह जमीन पर फेंक देते हैं। ओके ओके, और गुड यशोदा जी कहने गुड बेटा। चलिए, इसमें जो गोपियां हैं, पता है ना गोपियां कौन है? ब्रज में जो औरतें थी गोपियां कहलाती हैं। जो गोपियां हैं वो यशोदा मैया से शिकायत करती हैं। कृष्ण जी की माँ है यशोदा, उनसे कृष्ण की शिकायत करती हैं कि कृष्ण सारा माखन खा जाते हैं। अब वर्ड टू वर्ड इसको समझते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरे मतलब तुम्हारे, तेरे तुम्हारे लाल, लाल मतलब पुत्र, पुत्र तेरो लाल मेरो, मेरो मतलब मेरा, माखन मक्खन, खायो खा लिया है या खा लेता है। इसमें गोपियां यशोदा मैया से कृष्ण की शिकायत करती हुई कहती हैं कि तुम्हारे पुत्र ने मेरा माखन चुराकर खा लिया है, या तुम्हारा पुत्र जो है वो मेरा माखन खा लेता है। दोपहर दिवस जानी घर सोनो, दोपहर दिवस, दोपहर मतलब दोपहर, दिवस मतलब दिन, दोपहर दोपहर दिवस दिन। दिन के समय दोपहर में जानी घर सुनो, जानी पता लगना, पता लगना, घर घर सुनो सुना, जहां घर में कोई नहीं होता, सुना घर, जब घर में कोई नहीं है। कहती है दोपहर के समय, दिन में दोपहर के समय जब उसे पता लगता है कि घर में कोई नहीं है, ढूंढ ढंढोरी, ढूंढी ढंढोरी, ढूंढ कर दिन के समय जब उसे पता चलता है दोपहर में घर में कोई नहीं है, घर सूना है, ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो, ऐसे ढूंढ कर खुद ही आ जाता है। हम उसे बुलाते नहीं है कि तुम हमारे घर आओ, लेकिन जब उसे पता चलता है दिन में दोपहर के समय घर में कोई नहीं है तो खुद ही ऐसा घर ढूंढ कर आ जाता है। खोली किवारी, खोली मतलब खोलना, खोली खोलना, किवारी दरवाजा, दरवाजा, खोली किवारी बैठी मंदिर में, बैठी मतलब बैठकर, बैठकर, बैठी मंदिर में, मंदिर में बैठकर, आप मंदिर रसोई भी कह सकते हो, ठीक है,
मंदिर में या रसोई में बैठकर, रसोई को भी लोग मंदिर कह देते हैं। बैठी मंदिर में, मंदिर में बैठकर दूध दही सब सखनी खवायो। सखनी मतलब मित्र, जो भी दूध दही होता है वो सब अपने मित्रों को खिला देता है। खवायो मतलब खिला देना। जो भी दूध दही है वह सब अपने मित्रों को खिला देता है। खोली किवारी पैठी मंदिर में, दरवाजा खोलकर मंदिर में बैठकर दूध दही सब सखनी खवायो। दूध दही सब कुछ अपने मित्रों को खिला देता है। ऊखल चढ़ी सीन के को लीनो। ऊखल, ऊखल क्या होता है? ऊखल मतलब ओखली। आपने देखा होगा जब हम वर्णमाला की किताबें पढ़ते हैं उसमें पढ़ा था ओ ओखली, जिसमें मसाले कूटे जाते हैं, बड़ी बड़ी ओखलियां लगी होती हैं। पहले गांव में उस समय में बड़ी बड़ी ओखलियां लगी होती थी, बहुत बड़े बड़े उसके साथ सोटे होते थे जिसके साथ मसालों को कूटा जाता था ओखली में डालकर। आजकल तो मसाले हम लोग पिसे पिसाए ले आते हैं ना बाजार से, पहले औरतें घरों में खुद मसाले कूटती थी। बहुत बड़ी बड़ी ओखलियां होती थी। ठीक है, ऊखल चढ़ी ओखली पर चढ़कर, ऊखल चढ़ी ओखली पर चढ़कर सींके को लीन हो। सींके, सींके क्या है? छींका। मैं बताती हूँ क्या होता है। छींका, आजकल हमारे घरों में माइक्रोवेव्स हैं, फ्रिज है, कैसरोल्स हैं, ठीक है, जिसमें हम खाना डालकर रख देते हैं कुछ समय के लिए और बाद में उसमें से निकालकर हम लोग खा लेते हैं। पहले जमाने में ये सब चीजें नहीं होती थी और लोग छींके में चीजें रखते थे। छींका क्या होता है? एक टोकरी की तरह होता है। जैसे किचन होती है, किचन में ऐसे धागा बांधकर या तार बांधकर उसके साथ उसको लटका दिया जाता था ताकि ज्यादा ऊंचे तक बच्चों का हाथ ना जाए, ठीक है, दूसरा कि कोई जानवर ना आ जाए और उसको जूठा ना कर दे या बिखेर ना दे या किसी का पैर लगकर चीज बिखर ना जाए। आपको पता होगा आजकल मॉडर्न शेल्व्स बन गई हैं, किचन्स बन गई हैं जिन पर बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी शेल्व्स लगी होती हैं, बहुत अच्छी अलमीराज हैं, मॉडुलर किचन्स हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो रसोई घर होता था जमीन पर सब सामान रखते थे। जमीन पर चूल्हा रखा जाता था, उसी चूल्हे पर जमीन पर बैठकर खाना पकाया जाता था, वहीं नीचे नीचे सब सामान रखा रहता था, बड़ा सा कमरा होता था और वहीं पर बैठकर लोग खाना भी खाते थे। अगर आपने टीवी में देखा हो, मैंने भी टीवी में देखा है, अगर टीवी में आपने देखा हो तो इस तरह से एक सेटअप होता था किचन का। तो जो छींका है वो ऐसे ऊपर तार या रस्सी लगाकर उसके साथ बांध दिया जाता था उसको, ताकि ऊपर हाथ ना पहुंचे आसानी से। अब छोटा बच्चा है वो ऊपर कैसे चढ़ेगा? कृष्ण जी का बाल रूप है ना, छोटे हैं तो ऊपर कैसे चढ़ेंगे? उस छींके को लेने के लिए ओखली पर चढ़ जाते हैं। गोपियां शिकायत करती है कि ओखली पर चढ़कर सींके को लीनो। ओखली पर चढ़कर छींका ले लेता है छोटा बच्चा। आपने कभी अपने घर में देखा हो या अपने बचपन की कोई बात याद हो तो अलमारी के ऊपर या फ्रिज के ऊपर मम्मी ने कुछ रख दिया तो हम कितने सारे उपाय करते थे ना, कभी स्टूल लेकर आते थे, कभी कुर्सी लेकर आते थे, कभी शेल्फ पर चढ़ते, फिर अलमारी को खोलते, फिर अपनी मनपसंद चीजें निकाल लेते, है ना। इसी तरह से जो कृष्ण जी हैं उनके उनकी शिकायत कर रही है गोपी और कह रही है ऊखल चढ़ी सींके को लीन हो। ओखली पर चढ़कर छींके को ले लेता है। अन्न भावत भूई में ढरकायो। जो तो अच्छा लगता है वो तो खा लेता है और जो अच्छा नहीं लगता उसे गिरा देता है। अन्न भावत, अन्न भावत मतलब जो अच्छा नहीं लगता। भावत का मतलब होता है भाना, अच्छा लगना,
अनभावत जो अच्छा नहीं लगता। भूई भूई हमने कल भी पढ़ा था ऊपर वाले पैराग्राफ में, जहां हमने पढ़ा था नागिन सी भूई लोटे, है ना। जमीन, भूई मतलब जमीन, जो अच्छा लगता है वो तो खा लेता है और जो अच्छा नहीं लगता उसे जमीन पर ढरकायो। ढरकायो मतलब फेंक देना, फेंक देता है। ओके, जो अच्छा लगता है वो खा लेता है, जो अच्छा नहीं लगता उसे जमीन पर गिरा देता है या फेंक देता है। दिन प्रति हानि होती गो रस की, दिन प्रति हर रोज ऐसा करने से हर रोज हानि, हानि मतलब नुकसान होती होता है गो रस की। गो रस किसे कहते हैं? दूध दही आदि को। गो रस गाय का रस, दूध गोरस दूध। इस तरह से हर रोज दूध दही आदि की हानि होती है। यह ढोटा कौने ढंग लायो। यह मतलब यह, ढोटा मतलब पुत्र या लड़का, पुत्र भी लिख सकते हैं लड़का भी लिख सकते हैं। यह ढोटा कौने ढंग लायो, न जाने यह लड़का कैसा है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। इस तरह करने से हर रोज दूध दही आदि की हानि होती है, न जाने यह लड़का कैसा है। सूर श्याम को हटक न राखे। सूर मतलब सूरदास जी कहते हैं, सूर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां शिकायत कर रही हैं श्याम को हटक ना राखें। यशोदा तुम श्याम को, श्याम मतलब श्याम कृष्ण, यशोदा तुम कृष्ण को हटक ना राखे। हटक मतलब डांट कर या हटाती नहीं हो, तुम कृष्ण को डांट कर नहीं रखती हो और तुम उसे हटाती नहीं हो। तेही पूत अनोखो जायो। हर माँ अपने बच्चे को डांटती है, हर माँ अपने बच्चे को कहती है, लेकिन यशोदा तुम अपने पुत्र को, तुम श्याम को हटाती नहीं हो, तुम उसे डांटती नहीं हो। तेही पूत अनोखो जायो। तेही मतलब तुमने ही, जैसे कि तुमने ही, पूत पुत्र, अनोखो अनोखा, जायो पैदा किया है, जायो पैदा किया, जैसे कि तुमने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, पैदा किया या जन्म दिया, जैसे कि तुमने किसी अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जिसे तुम रोकती नहीं हो। हर माँ अपने बच्चे को रोकती है, गलत काम करने से रोकती है, लेकिन तुम श्याम को कभी भी रोकती नहीं हो, जैसे कि तुमने एक अनोखे बच्चे को जन्म दिया है। क्लियर? क्लियर बेटा? ओके, फिर से एक बार पढ़ रही हूँ, समझा रही हूँ, एक बार फिर ध्यान से सुनो। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढ ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सकन खवायो। उखल चढ़ी सी के को लीनो, अनभावत भूई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो। सूर श्याम को हटक न राखे, तेही पूत अनोखो जायो। इसमें गोपियां यशोदा मैया से श्री कृष्ण की शिकायत कर रही हैं। कृष्ण जी की बाल लीलाओं में आता है ये कि हर एक के घर में चले जाते थे चोरी करके, उनको माखन चुरा कर खाने वाला कहते हैं ना, माखन चोर कहते हैं,
है ना, क्यों कहते हैं माखन चोर? इसीलिए कि माखन चुरा कर खा लेते थे। बहुत बार अपने घर में भी माखन ऐसे चुरा चुरा कर खा लेते थे, माँ को पता ही नहीं चलने देते थे। जब माँ उन्हें देखती थी मुंह सारा माखन से भरा पड़ा है, तब उन्हें पता चलता कि इसने माखन चुरा कर खा लिया है। तो गोपियां शिकायत कर रही हैं कि तुम्हारे पुत्र ने मेरा माखन चुरा कर खा लिया है, या माखन चुरा कर खा जाता है। दोपहर के समय जब इसे पता चलता है कि घर में कोई नहीं है, तो ये अपने आप ही ऐसा घर ढूंढ लेता है जहां कोई नहीं होता, और वहां पर आ जाता है और अपने मित्रों को भी अपने साथ ले आता है। दरवाजा खोलता है, मंदिर में बैठता है और दूध दही सब मित्रों को खिला देता है। जो तो इसको अच्छा लगता है वो तो खा लेता है, और जो नहीं अच्छा लगता वो फेंक देता है। और कैसे चुराता है? ओखली पर चढ़कर, ओखली पर चढ़ जाता है और छींका उतार लेता है। जो अच्छा लगता है वो खा लेता है, जो नहीं अच्छा लगता वो फेंक देता है। और इस तरह से गोरस की हानि होती है, दूध दही आदि की हानि होती है। पता नहीं ये लड़का कैसा है कि हमेशा हर एक के साथ ऐसा ही करता है। और फिर उन्हें शिकायत करती है कि हर माँ अपने बच्चे को वो हटाती है, पर तुम अपने बच्चे को नहीं हटाती हो। जैसे कि तुमने ही एक अनोखे बच्चे को जन्म दिया है। क्लियर क्लियर बेटा, शो मी थाम्ब इफ इट इज क्लियर। मुझे बहुत सारे थाम्ब शो होने चाहिए अगर क्लियर हो गए। 10 हुए अभी, बस 30 की क्लास में। ओके ओके, बाकी लोग ओके, गुड गुड नंबर। अगर बेटा किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझसे पूछ लो, रेज योर हैंड। अगर कुछ नहीं समझ में आया, कोई शब्द समझ में नहीं आया, कोई लाइन समझ में नहीं आई, तो प्लीज रेज योर हैंड, मैं दोबारा करवा दूंगी। ऑल क्लियर? ओके फाइन। चलिए अब आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं यहां पर और डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, वो है अलंकार। अलंकार हम लोग पहले भी कर चुके हुए हैं, पहले पद में मुझे बताइए कि अनुप्रास अलंकार कहां पर है। पहले पद में अनुप्रास अलंकार, रेज योर हैंड। यस अंशिका, हरी हल्धर, वेरी गुड, हरी हल्धर। बेटा आप मुझे बताएंगे कि क्यों है? क्योंकि दोनों शब्दों का पहला अक्षर क्योंकि दोनों शब्दों का पहला अक्षर ह है। अनुप्रास अलंकार बेटा वहां पर होता है जब दो या दो से ज्यादा शब्द एक साथ हो और उसका पहला जो अक्षर है वो ह हो। ओके, दो या दो से ज्यादा शब्द एक साथ लिखे हुए हो और उसका पहला अक्षर सेम हो। अक्षर मतलब वर्ण, जैसे ह ह, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति र, रघुपति राघव र, राजा राम, फिर र है। क्लियर क्लियर है बेटा? अब मुझे पहले पद में बताओ पुनरुक्ति अलंकार कहां पर है। पुनरुक्ति अलंकार, यस मनीषा, मैं
पची 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 में क्यों है पुनरुक्ति अलंकार? क्योंकि एक शब्द दो बार आया और दोनों बार उसका मीनिंग सेम है। आप लोगों ने कॉपी में भी ये लिखना है, ठीक है? एक ही शब्द है, दो बार आया है, हाइफन के साथ है, दोनों बार इसका मतलब सेम है। हर हर, घर घर, ठीक है? वहां पर भी पूर्णोक्ति अलंकार होगा। धीरे धीरे, सेम शब्द है, दो बार आया है, हाइफन के साथ है और दोनों बार उसका मीनिंग सेम है। क्लियर? दूसरे पद में अनुप्रास अलंकार के उदाहरण बताओ मुझे। दूसरे पद में अनुप्रास अलंकार, यस जयंत। मेरो माखन। ओरे, ओके। मेरो माखन ढूंढी ढंढोरी। ओके, और कहीं है? दोपहर दिवस। दोपहर दिवस। और हानि होती। और सूर से आम। और आप ही आयो। ओके, और दूध दही। ओके, गुड। बस सब सखन। सब सखनी, ठीक है? ये सारे जो है अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है दूसरे पद में। क्लियर? एनी डाउट? चलिए, क्वेश्चंस देखिए। कल हमने तीन क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसके आगे का क्वेश्चन देखो। तेही पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? क्वेश्चन का मतलब है कि ग्वालन के मन में कौन सी बातें आ रही हैं। तेही पूत अनोखो जायो, क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा? नो वन। इसका आंसर आप लोग कल ढूंढ कर रखेंगे, कल हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके क्वेश्चंस की, ओके? और साथ में आगे का काम शुरू करेंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू बेटा।